Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nazreen, aaj aapke liye jo hai wo ek bahut hi ahem message main aapko dena chahta hu, wo hai osteoporosis ke hawale se. Osteoporosis kya hai? Basically ye haddiyon ka bhurbhurapan hai. Yani agar aap isko kahein ki isme aapki jism ki haddiyan narm ho jati hain aur unme jo hai mineral contents aur uske andar jo कोलेजन कंटेंट है, यानी वो सारा ही काम हो जाता है. उसकी जो अंदर, उसे कह लें कि उसकी जो आर्किटेक्चर है उसका, वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो आपके अपने वजन से ही वो हड्डियाँ जो हैं वो बेंड हो सकती हैं, या आप हल्का सा गिरने से भी वो टूट सकती हैं. और पाकिस्तान में मैं यानी आपको बताऊँ कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बहुत ही कॉमन है, और हमारे जो हमने सर्वे किए हैं उसके मुताबिक मोस्टली जो यंग लड़कियों में भी विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी है. उसकी वजह ये है कि वो धूप में बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज नहीं करती कि वो उनका कहीं रंग काला ना हो जाए, या हमारे जो है वो अब घर इतने छोटे हो गए हैं महल्ले गलियों में कि वहाँ पर धूप पहुँचती नहीं है. तो हम अगर सर्वे करें तो उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके यानी 80% लोगों का विटामिन डी लेवल कम है. और फिर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है. अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी कम होने से क्या हो रहा है? स्कूलों में प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, बच्चे बच्चियां जो हैं वो एथलेटिक्स नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी हड्डियां और कमज़ोर हो जाती हैं. अब तो गैजेट्स आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो अब प्लेग्राउंड्स में नहीं खेल रहे, और वो भी बस अपने जो हैं वो लैपटॉप्स पे और अपने जो हैं टैबलेट्स पे सारा दिन जो हैं वो छोटे बच्चों का आपने देखा होगा वो गेम्स कर रहे हैं. तो इससे जब है कि फिजिकल एक्टिविटी कम होने से भी ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता है. इसी तरह और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इनहेरिटेंस है, और जो है स्मोकिंग है, आपका जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. तो मैं आपको सबको कहूँगा कि यूथ में स्पेशली बच्चियाँ जिन्होंने कल को माएँ बनना है, जिन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाना है, तो उनके अंदर हड्डियों में जो है वो बहुत स्टॉक होना चाहिए आपके पास विटामिन डी का और कैल्शियम का और बाकी मिनरल कंटेंट्स का. तो जैसे एज बढ़ती है तो आपकी हड्डियां और कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली मीनोपास के बाद, 40 इयर्स के बाद जब आपकी माहवारी बंद हो जाती है तो उसके बाद आपकी जो हार्मोनल लेवल एस्ट्रोजन की जैसी बॉडी में कमी होती है तो आपकी हड्डियाँ जो हैं जल्दी से घुलना शुरू हो जाती हैं, उनमें बनने का अमल कम हो जाता है और उनमें जो है तखरीबी अमल ज़्यादा हो जाता है, यानी वो घुलना शुरू हो जाती है. और आप ओल्ड एज में यानी ये हालत हो जाती है कि आपके वर्टेब्रास की हाइट कम हो जाती है, आपके वर्टेब्रास टेढ़े हो जाते हैं, आपकी हिप जॉइंट्स की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि गिरने से कूल्हा टूट जाता है, हल्का सा गिरने से रिस्ट जॉइंट टूट जाता है, या आपका शोल्डर टूट जाता है. अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं तो ये एक नॉर्मल वर्टेब्रा है. दिस इज़ अ नॉर्मल वर्टेब्रा. आप देखें कितना स्ट्रांग है, इसके अंदर वो देखें क्रॉस लिंक्स कितने हैं, इसके अंदर मिनरल कंटेंट्स कितना है, और इसके मुकाबले में ये आप देखें एक जो है वो ऑस्टियोपोरोटिक वर्टेब्रा जो कि यानी कंप्रेस हो गया आपके अपने वजन से ही, और ओल्ड एज में वो जो है आपका कुब निकल आता है वो भी इसी वजह से. तो जो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है अपनी जो है धूप में बैठें, विटामिन डी लें, और जो है उसका टेस्ट कराएं, अगर काम में है तो ओरली भी लें, अपने कैल्शियम जो है और जो है फूड जिनमें कैल्शियम ज़्यादा है जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी दही है, चीज़ है, दूध है, और स्पेशली कुछ फिश हैं, कुछ अपना जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें कैल्शियम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लें, और अपनी फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँ, रोज़ एक्सरसाइज़ करें, लाइट वेट एक्सरसाइज करें, और ओल्ड एज में अपने टेस्ट करवाएँ. ऑस्टियोपोरोसिस का बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, डेक्सा बोन स्कैन है, ठीक है, जिसमें आपका जो है वो बता देते हैं कि आपकी हड्डियां जो हैं वो कितनी कमज़ोर हैं, उसके बकायदा जो है नंबर्स हैं, -2.5 से अगर आपका लो है नंबर तो इसका मतलब है कि आप जो है आपकी हड्डियां किसी वक्त भी टूट सकती हैं, वो रिस्क फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है. तो अब बहुत सी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं माशाल्लाह, बड़ी रेंज है, और पाकिस्तान में दे आर वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल रेट्स. तो आप जो है अपने डॉक्टर से रिज्यू करें, ऑर्थोपेडिक सर्जन से, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें जो इसने आपकी कोई ऑपरेशन हिस्टेक्टमी वगैरह की है, और अपने बच्चियों को इनक्रेज करें कि वो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं,
ऑस्टियोपोरोसिस जो है अब इट्स नाउ ए रिकग्नाइज डिजीज. अब तो हम जैसे ही ओल्ड एज का फ्रैक्चर होता है तो हम सिर्फ फ्रैक्चर को ट्रीट नहीं करते, अब हम उसकी साथ ऑस्टियोपोरोसिस को भी ट्रीट करते हैं. उसी वक्त हम उसे बिस्फॉस्फोनेट्स पे डाल देते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम पे डाल देते हैं ताकि सेकेंड फ्रैक्चर ना हो. अगर एक फ्रैक्चर आपका हो गया है हल्के से गिरने से तो इसका मतलब यह है कि वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं है. तो खुदारा अपने जो है इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पलाएं, अपनी डॉक्टर से रिज्यू करें. अगर आपको जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स हो रही हैं, आपकी माएँ, आपकी दादियाँ, आपकी नानियाँ अगर वो झुक गई हैं और उनके जो है शोल्डर्स झुक गए हैं तो इट मीन्स के उनकी हड्डियाँ जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं. तो उनको ओल्ड एज में अगर कोई फ्रैक्चर हो गया तो वो बेचारी बेडरिडन हो जाएंगी. तो उनको उस फ्रैक्चर से बचाएं. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़.